कानपुर से बड़ी खबर। नाबालिग से रेप के बाद आरोपियों के पक्ष में खड़ी हुई पुलिस। नाबालिग लड़की के गर्भवती होने के बाद परिजनों को बताई पूरी घटना। पीड़ित का आरोप, उसे कार से अगवा कर दो लोगों ने किया था रेप। आरोपियों ने रेप के बाद पीड़िता का बनाया था अश्लील वीडियो। किसी से कुछ बोलने पर वायरल करने की दी थी धमकी। दूसरे अभियुक्त का नाम न लेने पर दबाव बना रही बाबूपुरवा पुलिस। जिस कार से घटना की गई, उसकी पहचान भी नहीं खोलने का पुलिस बना रही है दबाव। मामला बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के NLC चौकी का। बताया बेटी कितने साल की है? हमारी बेटी है। हाँ। इसने हमको घर में बताया, रात में ड्यूटी से आया तो इसने हमको बताया कि पापा हमारे पेट में दर्द हो रही है। फिर हमने पूछा, इसकी चाची ने पूछा क्यों हो रही, देखा गया कि 2 महीने की और तो लिख ली, फायर लिख ली, लेकिन हम लोगों को भेज दिया जाओ ये डॉक्टरी कराओ जाकर, और वहाँ से जो पैसे से खा लिए थाने में, और उनकी जो है एक ड्राइवर जो का नाम ले लो कि वह गाड़ी चला के लाया, वो लड़का गाड़ी चला नहीं पाता है। अच्छा। हम ऐसा कर नहीं सकते थे, हमारा केस बिगड़ जाएगा, इसलिए हमारी बच्ची ने मना कर दिया, उन्होंने गाड़ी भी दूसरी खड़ी कर दी। ठीक, बुलाया गया थाने में, रिपोर्ट की थाने में, तो वो लोग बयान बदल रहे थे और लड़के को पकड़ लिया, जो लड़का गाड़ी पे था उसको भी जो है छोड़ दिया गया है। था उसने भेजा हमको यहाँ पे, ये चौकी बनी है यहाँ पर संजय वन के पास। एक का नाम है सुनील कुमार सेठी और दूसरे का नाम है विपिन। अच्छा, कहाँ रहते हैं लोग? बाबूपुरवा कॉलोनी में 6 नंबर गेट के। हम अपने घर से बाजार से आ रहे थे, तो दो मतलब बगली में रहते हैं हमारे चाचन को कहते हैं, उन्होंने कहा कि आओ घर तक छोड़ दें, तो हम बैठ गए, मगर इन्होंने घर ना छोड़ कर जहाँ पे एक लोग की जिसकी गाड़ी थी वहाँ पर ले जाके मेरे साथ गलत काम किए हैं। विपिन थे उनकी गाड़ी थी, और जो था एक सुनील कुमार सेट्टी। अब क्या कह रही, पुलिस क्या कह रही है आप? हम अभी पहले एक बार हमारे बयान लिए गए, फिर दोबारा फिर बयान के लिए बुलाया गया, मगर वहाँ पे बयान हमारे कहा गया कि जो लड़का गाड़ी चला रहा था उसके मतलब नाम लो, और गाड़ी भी बदली गई थी जब हमने इसके लिए कहा, तो सब दबाव बनाए कि नहीं गाड़ी यही कह दो, तो मगर हमने गाड़ी वो नहीं कही है। जी पुलिस वाले कि वो गाड़ी कह दो कि गाड़ी ये नहीं है, गाड़ी दूसरी आई थी। और नाम क्या कह रहे थे, नाम लेने के लिए किसको बता रहे थे? कह रहे थे कि विपिन का नाम हटा दो। कानपुर से विशेष संवाददाता रियाज मदनी की खास रिपोर्ट।